हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, तो अगर आपको स्टॉक्स पे बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं इंटरनल टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, इंटर्न स्टेक मैंने यहाँ पे 98 पे शेयर किया था, अभी ये नियर अबाउट 122 पे चल रहा है। देखिए, क्विस कॉर्प हमने शेयर किया था 443 पे, यहाँ पे अभी ये 520 पे चल रहा है। देखिए, मैंने PCBL शेयर किया था 170 पे, 250 के आसपास चल रहा है। तो इंटरडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं हमारे इस ग्रुप में, जो राइट पे ट्रेडिंग का हमारा फ्री ग्रुप है, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप। देखिए, आज मैंने ऑप्शंस के यहाँ पे कुछ कॉल शेयर किए थे जहाँ पे मैंने निफ्टी का एक पी शेयर किया था 24 रुपीज पे, यहाँ से ऑलमोस्ट 70-77 तक का हाई लगा है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि 5 महीने के अंदर 72% का रिटर्न। देखिए, यही है वो स्टॉक, दैट इज उत्तम शुगर मिल्स, जो मैंने 303 के प्राइस पे हमारे लर्निंग ग्रुप में हमारे मेंबर्स के साथ शेयर करा था जून 11 को। देखिए, ये है हमारा जून 11 का रेट। एक्चुअली जून 11 संडे था, तो संडे के दिन मैंने एनालिसिस करके ये पर्टिकुलर प्राइस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को शेयर करा था। पहले प्रूफ देख लीजिए। तो आई होप आपने प्रूफ देख लिया है। ये देखिए, पर्टिकुलर यहाँ से 5 महीने में इसने 72% के आसपास का रिटर्न दिया है। जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में आपके साथ बोलता हूँ, एक रैली के बाद करेक्शन आएगा। अगर करेक्शन कर रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो देखिए, करेक्शन करता हुआ ये धीरे 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 5 महीने में भी 72% तक के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं इस चीज को यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, प्राइस को रीसेट करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक लाइन मार्क करी है, यानी कि देखिए इस पर्टिकुलर लाइन पे मल्टीपल टाइम हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्राइस इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस की तरह वहाँ पे टच करता हुआ जा रहा था। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखिए, प्राइस ने देखिए एक बार यहाँ से रिजेक्शन दिखा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर रेजिस्टेंस से आपको रिजेक्शन दिखे और प्राइस दोबारा उस एरिया को ब्रेक करे, इंस्टेंट आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, मैं जिस तरीके से स्मॉल स्मॉल चीजें आपको एकदम एडवांस टाइम में बताता हूँ ना, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको कोई भी चीज बता देता हूँ। बहुत लोग यही सारी चीजें अपने कोर्स में बता के चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप एकदम सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। अभी देखिए, यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है। अगर मैं यहाँ से एक बार के लिए देखूं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का भी ये रिसेंट हाई था, जो था हमारा 477 के आसपास का, ये हमने इसका प्रीवियस हाई मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस ने यहाँ से कितने परसेंट का फॉल करा था। इसने फॉल करा था 98% के आसपास का। सीधे तरीके से हम यहाँ पे ऊपर में 98% तक का एक एरिया मार्क कर लेंगे, ये एरिया हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे टारगेट्स क्या हो सकते हैं स्विंग के लिए, मैं आपको पहले दो टारगेट्स दे देता हूँ। मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 556 के आसपास का, और दूसरा टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 620 के आसपास का। और अगर कोई लॉन्ग टर्म में बैठ सकता है तो उसके ये भी टारगेट होंगे और ये एरिया भी उसके टारगेट्स होंगे। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको टोटल 4 टारगेट्स दिए हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 556, सेकंड टारगेट 5613, थर्ड टारगेट 733 एंड लास्ट टारगेट 970 का। तो यही था हमारा वो पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज उत्तम शुगर मिल्स। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है वेटो स्विच गियर्स। वेटो स्विच गियर्स को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, तो देखिए ये इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एरिया शो करना चाहूंगा, जो है हमारा ये पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं इसे इस तरीके से कर दूं शिफ्ट, तो देखिए यहाँ से हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी प्रॉपर रेजिस्टेंस है, प्राइस ने ब्रेक किया, एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया। अभी देखिए यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या करा है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपोर्ट एरिया से जब तक ऑपरेटर बायर्स को नहीं निकालेंगे, प्राइस पंप नहीं कर सकता। ठीक है, सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, ऑपरेटर्स ने बायर्स को निकाला, प्राइस को रिक्लेम कराया, रीटेस्ट कराया, अब प्राइस यहां से बाउंस कर सकता है। तो यहां से मेरे दो टारगेट्स क्या होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा यहां पे 135 के आसपास का, और जो मेरा दूसरा टारगेट होगा वो होगा हमारा इसका प्रीवियस हाई, दैट इज 147। तो यही दो पर्टिकुलर टारगेट्स है जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज वेटो स्विच गियर्स। तो यही था आज के मेरे वो दो स्टॉक जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था।
अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर दो वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।